चुके हैं और 10 बजे द शहर के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। अबोहर मुद्दे पर विरोधी पार्टियां जहां कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रही हैं, वहीं मामला दलित युवक की हत्या से जुड़ा है तो सियासत गरमाना लाजमी है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। अबोहर कत्लकांड की गूंज सियासी गलियारों में गूंज रही है। मुद्दे को दलित रंग देकर कांग्रेस सड़कों पर है। सत्ताधारी अकाली दल के कानों तक विरोध का सुर पहुंचाने के लिए आई कांग्रेस का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। मुख्यमंत्री के आवास की तरफ बढ़े कांग्रेसी वर्करों को कांग्रेस भवन के पास रोक लिया गया और विरोध के ऊंचे सुरों में जहाँ सवाल राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए, वही विपक्षी दल के विरोध को दबाने पर भी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सारी कांग्रेस पार्टी इस जो इशू है, जो अबोहर हत्याकांड है, इसके विरुद्ध धरने प्रदर्शन पूरा विद्रोह पूरे होगी। आज इस गल की चेतावनी पंजाब सरकार नु देने हैं कि अगर दलित भाईचारे ते मुड़ दोबारा अत्याचार की कोई भी कोशिश की गई तो इस दा दलित भाईचारा सहन नहीं करेगा। उधर सत्ताधारी अकाली दल को इस बात से एतराज है कि विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी फायदे के लिए ये मुद्दा उठा रही हैं। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਛ ਵੀ ਵੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਅਬੋਹਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਓ ਪਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੇਆਮ ਦੋ ਯੁਵਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਪਰ ਰਾਜਯ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਸੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲੇ ਇਸਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਜਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। तो इस पूरे मुद्दे पर सियासत लगातार गरमा रही है। उधर अबोहर हत्याकांड में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि एक ने सरेंडर कर दिया है। उधर फाजिलका में दलित समाज ने आज भी प्रदर्शन जारी रखा। अबोहर कत्लकांड में मृतक भीमटांग को इंसाफ दिलवाने की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। दलित समाज एक बार फिर सड़कों पर उतरकर मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और साथ ही ये चेतावनी भी दी जा रही है कि जब तक सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सेशन कोर्ट में शिवलाल डोडा ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। जैसे ये खबर फैली दलित समाज में रोष और ज्यादा बढ़ गया। विरोध कर रहे लोगों का इल्जाम था कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। उधर अकाली दल का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। शिवलाल डोडा जिहड़ा रह गया उन्हें भी अरेस्ट करे ते उन्हें भी यकीन बनाया जाए ते किसी भी जिहड़े दोषी है उन्हें किसी को बख्शा ना जाए। SSP साहब की भूमिका का भी साड़ी एक लाइन पांच नंबर पर लिखा हुआ है भी तुहाड़ी भूमिका से सानू संदेह है, पर उन्होंने गल भी की इस बारे साडे नाल भी मैं तुहाड़ा सहयोग कर रहा, पर असीं उन्होंने दस्या भी किवें उस जिहड़े दोषी ने उन्हां दी गड्डियां विच पुलिस कर्मचारी उत्थे साडे नाल जदों मिले सी जदों भीम नूं असीं वापस लेके आ रहे सीगे। जो ग्रुपां दा आपसी झगड़ा ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇ ਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ SSP ਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਥ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਚਾਰ ਔਰ ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿੰਦਰ ਪਾਰੀ, ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਭੀਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜੱਗੂ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। वही दलित समाज मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस क्यों अभी तक शिवलाल डोडा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। क्या वाकई इस मामले में पुलिस की भूमिका पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? अबोहर से सुनील लाखपाल के साथ नेहा सलारिया, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो पूरे मुद्दे पर प्रदर्शन और सियासत लगातार जारी है। अबोहर हत्याकांड सियासी गलियारों से होता हुआ अब अदालत तक पहुंच चुका है। पीड़ित परिवार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका डालकर सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, परिवार ने पंजाब पुलिस पर अविश्वास जताते हुए केंद्र से सुरक्षा की मांग की है।
अबोहर हत्याकांड में शुरू से ही सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस और इस पर हो रही सियासत के बाद अब मृतक भीम टांग का परिवार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक डोडा परिवार से उन्हें जान का खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा लेने से मना करते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। भीम टांग डिसीज्ड है उनकी तरफ से, और एक जो कंप्लेनेंट है एफआईआर में गुरजंट के ब्रदर हैं जो रंजीत, उन तीनों की तरफ से एक पिटीशन फाइल करी है कि हम इनको लाइफ की थ्रेट है फ्रॉम दी मेन अक्यूज्ड सुनील शिवलाल डोडा एंड अमित डोडा। तो उनकी तरफ से आज हमने पिटीशन फाइल करी है कि हमें हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रिस्पोंडेंट्स को कि सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वी आर सीकिंग बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम दी पैरामिलिट्री फोर्सेज, फ्रॉम दी सेंट्रल फोर्सेज, नॉट फ्रॉम दी पंजाब पुलिस, बिकॉज दी पंजाब पुलिस इज जस्ट अ टूल इन दी हैंड्स ऑफ दीज मेन अक्यूज्ड। वहीं श्रोमणी अकाली दल ने परिवार को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है, और साथ ही परिवार के अदालत जाने पर अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि ये सबका अधिकार है। देखो परिवार नो कुदरती पीड़ित परिवार नो दुख हुंदा और उनू महसूस भी हुंदा भी उनानू इंसाफ मिले, उनानू विश्वास रखना चाहिए पंजाब सरकार ते पंजाब दी मशीनरी ते। जे फिर भी विश्वास उनानू कोई इंसाफ ना मिले तो मतलब अदालतों के दरवाजे खुले ने, तो उन्होंने उन्होंने तसली कराना, उन्होंने सैटिस्फैक्शन होनी बहुत जरूरी है। अबोहर कांड ने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह से गर्म किया हुआ है। ये मामला पार्लियामेंट में भी गूंजा था और अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अदालत गुरुवार को भीम टांग के परिवार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील पर सुनवाई करेगी। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। खबर में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियानी ने अपने शराब पर दिए विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि मैंने ये बयान नहीं दिया था कि शराब को मैं नशा नहीं मानता। पहली अल्कोहल नशा है, शराब तो माड़ी चीज कोई नहीं। शराब नु मैं नशा नहीं मानता। शराब नशा तुसी कह नहीं सकते। छाती ठोक के शराब को नशा ना मानने वाला बयान देने के बाद अब सेहत मंत्री को इस बात से एतराज है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पर मंत्री साहब के शब्दों को कितना तोड़ा मरोड़ा गया ये आप खुद ही सुन चुके हैं। ये बात अलग है कि जब मुद्दा गरमाया तो शराब नशा लगने लगी। चीज दी अगर नाश दा जड़ है, शरारत दा जड़ है, समस्या दी जड़ है, बीमारी दी जड़ है, अगर कोई है तो शराब। सब तो पहले शराब है। शराब मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं शराब नु नशा नहीं मंदा। काउंटिंग दे बिच शराब नु मैं नशा नहीं मंदा। हां जी, शराब नशा तुसी कह नहीं सकदे, क्यों कि फैक्ट्रियां नु मंजूरी है, टेंडर होंदा है। स्वास्थ्य मंत्री अब इस बात की हामी भर रहे हैं कि शराब को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। पूर जोर मैं सिफारिश करदा हां कि पूरे हिंदुस्तान च सारीयां स्टेटां च शराब किथे नहीं होनी चाहिए। शराब के हक में दिए गए बयान पर सियासी हंगामे के बाद स्वास्थ्य मंत्री अपनी सफाई इस मुद्दे पर रख चुके हैं, क्योंकि सूबे की सियासत में नशे का मुद्दा सियासी नजरिए से सेहत कैसे खराब कर सकता है इस बात से वो बखूबी वाकिफ हैं। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना कहां है, ये सवाल उन्हें चुनने वाले वोटर पूछ रहे हैं। वजह है सांसद साहिब की लंबे समय से गैर हाजिरी। हल्के से लगातार गायब रहने पर अब विरोधी उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। गुरदासपुर हल्के से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट विनोद खन्ना की लंबे समय से गैर हाजिरी अब हल्का निवासियों को खटकने लगी है। लोग एमपी साहब का दीदार करने के लिए तरस गए हैं। लोगों का कहना है कि हल्के के विकास कार्य विनोद खन्ना की जिस कोठी पर लोगों का तांता लगा होता था वहाँ पर आजकल वीरानी छाई हुई है। कोई कह रहा है कि मंत्री साहब बीमार हैं, तो कोई कह रहा है कि वो शूटिंग में व्यस्त हैं। पर लोग क्या कहते हैं ये भी सुनिए। जनता जी परेशान है कई चीजें तो ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਡ ਨੇ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस प्रधान बनने के बाद माझे में कांग्रेस फिर से एकजुट होने लगी है, जिसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासी जमीन पर नजर आने लगा है। विनोद खन्ना की गैर हाजिरी को लेकर खुद बीजेपी के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं और विपक्ष भी इस मौके को नहीं गंवा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, बीजेपी को विनोद खन्ना की एब्सेंस का नुकसान तो होगा ही होगा। और ये जो खबरें आ रही हैं दूसरी तरफ से कि भाई वो शूटिंग कर रहा है, तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो शूटिंग कर रहा है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संसद के इस बड़े विशाल क्षेत्र को जानबूझ करके इग्नोर कर रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जब वो ठीक भी थे तब भी उनकी कितनी आमदन थी, एक स्टार इमेज है, उसके नाते से वो जीत जाते हैं। जितने तो बाद विनोद खन्ना और नहीं लगे, आम लोगों को काम पैंदे, आम लोगों ने जाना कि इन्हें कोई मेडिकल बनाना कि इन्हें कुछ बनाना, ना विनोद खन्ना तो ना कोई बंदा लभ्या। वह तो इदा किया, उन्होंने हिसाब किताब किया जिदा चोर चक्का चौधरी तो बाकी सारे प्रधान। तो लोगों का जो है उन पर पूरी तरह से विश्वास, और जो उनका एक नायक के रूप में, जो अभिनेता के रूप में जो एक चेहरा था, उससे मोह भंग हो चुका है। उधर विनोद खन्ना के समर्थक उनकी सेहत ठीक ना होने का हवाला दे रहे हैं। खन्ना साहब हर टाइम टू टाइम पठानकोट आते रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई तबीयत खराब होने की वजह कारण कुछ समय तो नहीं आए, महीने दो महीने तक। बाकी उन्होंने जिन्हें के काम करवाते हैं, कोई भी एमपी अपने हल्के च इन्ने काम नहीं करवा सकते। विनोद खन्ना की हाजिरी विच जिथे हल्के दे लोक विकास दे कामां नूं तरस रहे ने, उत्थे ही विरोधियों नूं बीजेपी नूं घेरन दा मौका मिल गया है। सर में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी और गुरदासपुर में विनोद खन्ना की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं बीजेपी बेल्ट को बैकफुट पे जरूर ले जाएगी। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। खबर जम्मू कश्मीर से लेते हैं। जम्मू कश्मीर की एक और लाइफलाइन भारत को मिल गई है, जिसका उद्घाटन कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे। उनके साथ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। रणजीत सागर डैम की झील पर केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाकर सेना के इंजीनियर्स ने आधुनिक तकनीक का नायाब नमूना तैयार किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाले अटल सेतु पर 1.5 अरब खर्च हुआ है, जिसका उद्घाटन कल देश के रक्षा मंत्री करेंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला सिर्फ एक रोड कनेक्शन था, इस पुल को बनने के बाद ये दूसरा रोड कनेक्शन हो जाएगा। 2011 में हमने ब्रिज बनाना शुरू किया था और अब 4 साल में, मतलब जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 4 साल है, 4 साल में हमने कंप्लीट कर दिया। सस्पेंशन ब्रिज जिसकी लागत 145 करोड़ समथिंग है और ये 150 अरब के करीब का ब्रिज है, और ये इसकी जो हाइट है वो उन दोनों ब्रिजों से ऊंची है। इससे पहले देश में ऐसे सिर्फ 3 ब्रिज बने हैं। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री को इस पुल के बनने से टूरिज्म में बढ़ावा होने की संभावना है। पंजाब और उसके 50 मीटर पे हिमाचल, दोनों साथ साथ हमें दो रियासतें ऐसी जगह जुड़ेंगी जम्मू कश्मीर के साथ, जो हमारा है वहाँ उस ब्रिज की वजह से। ब्रिज वैसे ही देखने के लिए इतना सुंदर है कि इटसेल्फ एक टूरिज्म लगता है। बसौली और दुनेरा को जोड़ने वाला सस्पेंशन ब्रिज आर्मी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ माधोपुर रोड कनेक्शन ही उपलब्ध था। पठानकोट से अजय महाजन के साथ, जम्मू से राजू केरनी, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर को फतेहगढ़ साहिब में पारंपरिक रूप से शहीदी जोड़ मेल का आगाज होगा। बड़ी संख्या में संगत की आमद को देखते हुए एसजीपीसी और प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने और लंगर से लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। फतेहगढ़ साहब में होने वाले शहीदी जोड़ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मेले की शुरुआत रस्मी तौर पर 26 दिसंबर से होगी, पर श्रद्धालु अभी से पहुंचने लगे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश विदेश से बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए प्रबंध भी बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। एसजीपीसी की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने और लंगर का प्रबंध किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने खुद एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ पहुंचे।
ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟੋ ਕੋ ਬਾਂਟ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 19 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈਂ ਔਰ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾਓਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਏਂਗੇ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਪਰ ਮੀਠੇ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਲੰਗਰੋਂ ਮੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। उधर श्री गुरु गोबिंद सिंह के बड़े साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए अमृतसर में अखंड पाठ के भोग डाले गए और बड़े साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। अमृतसर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। SGPC और धर्म प्रचार कमेटी ने इस मौके पर दीवान साहेब मंजी हॉल में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जिसमें सिख संगत और SGPC कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान बड़े साहबजादों की शहादत को याद करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। थोड़े जे सिंह ते एडी वड़ा मतलब हजूम लखां दी फौज सीगी, इतिहास दा मोड़ मैनूं कहना पै रिहा है ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਮੇਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੋਂ ਨੇ ਅਦਮਯ ਸਾਹਸ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਥੀ। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। खबर हरियाणा से लेते हैं। जींद में आयोजित राज्य स्तरीय रैली में जाटों ने एक बार फिर से उखार भरी है। जाटों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 फरवरी तक आरक्षण नहीं दिया गया तो हरियाणा को जाम किया जाएगा। जींद में जाटों ने राज्य स्तरीय रैली का आयोजन करके खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। आरक्षण की मांग पर अड़े जाट समाज ने प्रदेश सरकार को 15 फरवरी तक का समय दिया है। तय समय सीमा में आरक्षण नहीं मिलने की सूरत में जाटों ने हरियाणा को जाम करने की खुली चेतावनी दी है। रैली का आयोजन सर्व जाट खाप हरियाणा ने किया था जिसमें सूबे के कई जाट संगठन शामिल हुए। सारा तो हरियाणा आवे है, राजस्थान के आवे हैं, यूपी के आवे हैं, मध्य प्रदेश के आवे हैं, जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। इस दौरान जाटों ने एक नया संगठन तैयार किया है जिसे समस्त जाट समाज संगठन नाम दिया गया है जिसके बैनर तले आरक्षण हासिल करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे मामले को लेकर खट्टर सरकार कोर्ट से जुड़ी पेचीदगियों का हवाला दे चुकी है जबकि बीजेपी के ही कुरुक्षेत्र सांसद खुले तौर पर जाट आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। जिंद से राजकुमार गोयल, जी मीडिया। खबर हिमाचल से लेते हैं। स्मार्ट सिटी मामले पर हिमाचल में सियासत गरमाई हुई है। शिमला नगर निगम के मेयर संजय चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दखल देने की मांग की है तो बीजेपी ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मेयर सिर्फ लाइमलाइट में ही रहना चाहते हैं।
शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिए शहर के मेयर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इसमें सियासत नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी शिमला के मेयर को निशाना बना रही है। मेयर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर शहर को स्मार्ट सिटी लिस्ट में शामिल करने की अपील की थी, जबकि बीजेपी का आरोप है कि मेयर सुर्खियों में रहने की कोशिश में हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मीडिया में बयान देने का काम है, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी और जो वामपंथी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाई है, उसी के कारण शिमला स्मार्ट सिटी के जो दायरे से बाहर हुआ है, ये हमारा आरोप है। मेयर संजय चौहान को निशाना बना रही बीजेपी वजह भी गिना रही है। उसकी दलील है कि सूबे में कई शहर स्मार्ट सिटी के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते शिमला से रिपोर्ट देखिए जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आखिरकार शिमला पर मौसम मेहरबान हो ही गया। बुधवार को राजधानी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सैलानी खासे खुश नजर आए। लंबे समय से राजधानी में बर्फबारी होने का इंतजार हो रहा था, हालांकि तेज हवाओं ने बर्फबारी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया, लेकिन सैलानियों और शहर वासियों ने उस लम्हे का जमकर लुफ्त उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो धूप थी और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्नोफॉल होगी, और अब राइट नाउ वी आर फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आई हैव नेवर सीन स्नोफॉल, दिस इज द फर्स्ट टाइम इनटू शिमला और स्नोफॉल हो गई। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा, पता नहीं था कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल देखने को मिलेगा, और मेरी पूरी फैमिली अब बहुत एंजॉय कर रही है। क्रिसमस से पहले बर्फबारी की दस्तक ने सैलानियों की उम्मीद बढ़ा दी है, साथ ही होटल व्यापारियों को भी खुश होने का मौका मिल गया है। इससे पहले हिमाचल मौसम विभाग 26 दिसंबर से पहले बर्फबारी की संभावना से इनकार कर चुका था। मौसम विभाग ने जनवरी की शुरुआत में बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया।